जम्मू कश्मीर में पहाड़ी पर राशन पहुंचाने जा रही सेना की गाड़ी पर 24 मई दिन सोमवार को आतंकवादियों ने श्रीनगर कुलगांव के पास हमला कर दिया था, जिसमें गाड़ी में सवार गोरखपुर के लाल 23 वर्षीय कमांडो नवीन सिंह शहीद हो गए थे। नवीन को सिर और पैर में गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। बुधवार की देर रात शहीद का शव उसके गांव पहुंचा, जहां मौके पर मौजूद उप जिला अधिकारी सहजनवा सुरेश राय, क्षेत्राधिकारी खजनी इंदु प्रभा सिंह, अजय कुमार मौर्य मौजूद रहे। गुरुवार को शहीद की अंतिम यात्रा में हुजूम उमड़ पड़ा। सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, क्षेत्रीय विधायक शीतल पांडे, भाजपा की जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह सहित अन्य लोगों ने शहीद को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवान नवीन का शव अंतिम संस्कार के लिए कालेश्वर स्थित मोक्षधाम पर गाजे बाजे देशभक्ति की गीतों के गूंज के साथ ग्रामीणों की हुजूम के साथ पहुंचा, जहां सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, आज हम गए थे वहां पर, वो शहीद हमारे थे और बड़ा दुखद रहा। नवीन सिंह जी के यहाँ गए थे, ऐसा लगा कि पूरा गांव रो रहा था। जहाँ भगवानपुर से चली, जब उनकी उनका पार्थिव शरीर चला पेट्रोली से वहां से, मतलब अनगिनत लोग हुजूम बरसात में और लोग रो रहे हैं, और मतलब ऐसा समय कि हम आपको क्या बताएं। और मतलब मैंने आंख में आंसू आ गए और हम भी चलते रहे 4-5 किलोमीटर चले, वहां तक पहुंचे। दाह संस्कार जहां हुआ, सलामी दी, मतलब बड़ा गर्व हुआ कि एक ईमानदारी का, एक ईमानदारी से शहीद होना, एक ईमानदारी के जीवन, वो पूरा गांव, अनजान लोग, माँ बहने बाबा बच्चा लोग रो रहे थे। और ऐसा समय था, फिर सबको तिरंगे में सलामी दी गई, फौज के सब लोग थे, अरे जवान भी आए थे, उनके कमांडर भी थे, मतलब एक बहुत ही यंग कमांडो को हम लोगों ने खोया, बहुत बहुत बड़ी क्षति हुई। 23 साल के थे वो, और गोरखपुर पूर्वांचल उनकी वीर गाथा को सदियों तक याद रखेगा, कभी भूलेगा नहीं। आप आतंकवादियों के बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं इस पूरे हुजूम? बस यही कि देखिए, आज ये आतंकवादी, आज हम लोग सुरक्षित हैं ही हमारे जवानों के वजह से। आतंकवादी देखिए भीतर भी हैं, बाहर भी,
हम लोग को उनसे बचना है। मोदी जी उसका जवाब देते हैं, हमारा देश शायद जब से हुआ है सुरक्षित हुआ है, मोदी जी ने तो पहले बहुत अनगिनत आतंकवादी और अनगिनत शहीद होते थे हमारे जवान, तो वो उसमें कमी आई है। लेकिन मोदी जी पर हम लोगों को विश्वास इसी तरह बनाए रखना है और इस सरकार पे और इन आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए मोदी जी ने भी बीड़ा उठाया है। और हमारे रक्षा मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, वो लोग बड़े सेंसिटिव हैं इस मूवमेंट को लेकर कि आतंकवादियों को चुन चुन के इनको खत्म करना चाहिए, इसके पहले कि ये लोग हम लोगों को और घातक प्रहार करें और हमारे बहुत सारे जवानों को शहीद करें। इन सब लोगों का खात्मा होना चाहिए। पूरे विश्व में है आतंकवादी, ये ऐसे प्राणी हैं ये लोग, इनके कोई जात धर्म नहीं होता। ये लोगों का काम है विध्वंस करना, इनका काम है शांति प्रिय देश को, इसमें पाकिस्तान का हाथ होता है, चाइना का हाथ, हमारे अगल बगल में दुश्मन बहुत है पड़ोसी मुल्क, तो यही सबसे बचना है। लेकिन आज मन बड़ा दुखी भी हुआ, आसमान भी रो रहा था, आज बरसात भी हो रही थी, तो मैं क्या कहूँ, निशब्द बस यही कहूंगा, जय हिंद, भारत माता की जय।